नौकायन केंद्र स्थित साइकिल स्टैंड का उद्घाटन रविवार को गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुरोहित आचार्य राम अनुज त्रिपाठी द्वारा किया गया। नौकायन साइकिल स्टैंड का टेंडर कार्तिकेय नंदन मिश्रा के नाम से हुआ है। आचार्य राम अनुज त्रिपाठी ने बताया कि नौकायन के आसपास कोई स्टैंड ना होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी और अपने वाहन को लोग खड़ा करने में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे, लेकिन अब पार्किंग हो जाने से लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि बहुत ही कम खर्च में लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्टैंड में साइकिल 5 रुपए, मोटरसाइकिल 10 रुपए तथा कार का 20 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान पिंटू यादव, गोलू सिंह, यश प्रताप सिंह, मंटू यादव, चंदन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी ने कहा, बाजे बाजे हवा मे सखाय इंद्र मूतये, कायन के पास यह व्यवस्था बनाई गई कि यहाँ लोग आएंगे तो गाड़ी घोड़ा कहाँ रखा जाएगा, इसलिए यहाँ एक स्टैंड की व्यवस्था दी गई थी और वह स्टैंड हमारे प्रवीण शास्त्री जी को अलाट हुआ। इसमें अनेक बाधाएं भी आई, जो बाधा कहने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी बाधा को दूर हुआ और ये स्टैंड इनके पक्ष में मिला और उसका आज उद्घाटन हुआ है। ये व्यवस्था की गई कि साइकिल का 5 रुपया, मोटरसाइकिल का 10 रुपया, कार का 20 रुपया, इस तरह से कम ये रेट लगा करके और यहाँ साइकिल स्टैंड में जो है गाड़ियाँ जमा होगी, जिससे किसी की गाड़ी गायब ना हो या ना हो, इसलिए ये सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है और आशा करते हैं कि व्यवस्था अच्छे ढंग से चलेगा और इसमें सबका सहयोग रहेगा।